हेलो दोस्तों, तो आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं डिजिटेक वायरलेस माइक की। इसका मॉडल नेम जी है DWM107 जो डिजिटेक का है। इसमें आपको एक रिसीवर मिल जाता है देखने के लिए और दो माइक मिल जाते हैं देखने के लिए। माइक के नीचे चिप भी लगा सकते हैं, इसमें ऑप्शन दिया गया है। चिप लगाकर अपनी ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। काफी अच्छा फीचर दिया गया है। यहाँ पे लिख रहा है 2-in-1 वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम्स फॉर DSLR कैमरा, कैमकोडर दिया, स्मार्टफोन दिया गया हमारे यहाँ पर, और भी काफी फीचर वगैरह दिए गए, वो आपको आगे वीडियो में देखने के लिए मिल जाएंगे। पीछे कुछ ऐसे दिखाई देता है, ये है ना। दोस्तों हम इसके अनबॉक्सिंग अभी कर लेते हैं, तो यहाँ से मैं इसको पढ़ने को पढ़ लेता हूँ। वायरलेस ट्रांसमिशन 60 मीटर तक है, 9 घंटे तक इसकी बैटरी बैकअप है, रनिंग टाइम है, प्रोफेशनल नॉइज कैंसिलेशन है, और नीचे इसमें आप देख सकते हैं काफी अच्छी अच्छी चीज दी गई है, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट टाइम बताता, नहीं तो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। चार्जिंग टाइम 1.5 घंटा है, 1.5 घंटे में चार्जिंग हो जाएगी इसकी, और बैटरी कैपेसिटी 170 mAh 3.7V है। चार्जिंग मोड टाइप सी है, 300 डिग्री साउंड कैप्चर है, और यहाँ पर आप अपने इसमें माइक में जी चिप भी लगा सकते हैं, देख सकते हैं। TFT कार्ड रिकॉर्डिंग फंक्शन इसमें जी काफ़ी अच्छा फंक्शन दिया गया है, और पीछे से कुछ जी ऐसा दिखाई दिया जाता है ना। इसका अपना डिटेल में दिया गया जी, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं ना, नीचे दिया गया देख सकते हैं आप, इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसके अब हम इसको मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ साइड में देख सकते हैं QR कोड दिए गए हैं, और इसकी काफ़ी अच्छी डिटेल्स में इसमें बताया गया कैसे क्या करना है ना, और देख सकते हैं नीचे सफ़ेद है, इधर भी डिटेल में बताया गया है। ये देख सकते हैं माइक का ये ऑफ ऑन का बटन है, काफ़ी बटन दिए गए हैं है ना, तो ये आप देख सकते हैं। अब हम इसको ओपन करते हैं, क्या क्या सामान हमको मिल जाता है इसमें देखने के लिए। तो दोस्तों देख सकते हैं इसको हम साइड में ऊपर यहाँ पर रख लेते हैं। इसमें रखने के बाद फिर आपको ये मेन्यू देखने के लिए मिल जाता है, देख सकते हैं आप है ना, सामने से कुछ ऐसा आई, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें सब चीज़ एकदम डिटेल में बताई गई है ना, ये देख सकते हैं आप, मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ स्लो मोशन में है ना, ये आप देख सकते हैं। और पीछे हमारा ये काफ़ी डिटेल में यहाँ पे दिया गया, आप देख सकते हैं इसमें है ना, केबल वगैरह कैमरा में कैसे लगाना है ना, टाइप सी टाइप OTG केबल टाइप सी वगैरह दी गई है, मोबाइल में कैसे कनेक्ट करना है, सब चीज़ एकदम डिटेल में बताया है, वो सब चीज़ मैं आपको ईजी तरीके से समझाता हूँ। इसको हम साइड में रख देते हैं। तो इसमें हमारा माइक और रिसीवर रखा हुआ है, तो अभी हम इसको साइड में रख देते हैं, पहले इस बॉक्स में क्या वो देख लेते हैं। इसको हम यहाँ पर रख देते हैं, साइड में कर देते हैं इसको थोड़ा। अब इसे हम चेक करते हैं इसमें क्या क्या देखने के लिए मिल जाता है। इसको यहाँ पर मैंने ओपन करा, तो जो आपको पॉप फिल्टर देखने के लिए मिल जाती है, आपको मैं निकाल के दिखाता हूँ। ये ऊपर जो कपड़ा लगता है ना माइक के ऊपर, ये वो दे सकते हैं आप, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का दिया गया है ये, इधर से आपको लगाना है, ये दे सकते हैं आप। इसको अभी मैं यहाँ पर रख लेता हूँ इसके अंदर ही पन्नी पैक करके। तो जी हमको दो मिल जाते हैं देखने के लिए, इसको यहाँ पर मैं साइड से रख लेता हूँ, जो भी सामान है इसको हम यहाँ साइड से रख लेते हैं। जी हमको हेडफोन्स मिल जाते हैं ये टाइप सी लगा के, उसमें माइक में लगा के इसकी आवाज़ आप चेक कर सकते हैं कि आपके माइक में आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है, और वॉल्यूम कितना है, नॉइज़ कैंसिलेशन आपको ऑन करिए या नहीं करिए, माइक म्यूट करा या नहीं करा, इससे आप चेक कर सकते हैं, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो इसको अभी हम साइड में यहाँ पर रख लेते हैं, ये आपको दो देखने के लिए मिल जाते हैं, तो इसको हम यहाँ पर रख लेते हैं। इसको हम ओपन करते हैं, इसके अंदर हम क्या देखने के लिए मिल जाता है वो देखते हैं हम। तो ये हमें DSLR कैमरा में कनेक्ट करने के लिए दिया गया केबल है, इसको हम यहाँ पर रख लेते हैं। तो ये हमारे Type-C to Type-C OTG है ना, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में दी गई है ये दोनों चीज़ें। ये हमें चार्जिंग केबल मिल जाती है देखने के लिए, आप देख सकते हैं इसे, चार्जिंग केबल काफ़ी अच्छी क्वालिटी की दी गई है, इसको भी हम यहाँ पर रख लेते हैं। केबल देखने के लिए हमें मिल जाती है। अब मैं आपको माइक दिखाता हूँ, आगे से कुछ ऐसा हमारा माइक है, इसमें DigiTech लिख रहा है, इसमें लोगो भी DigiTech का, और पीछे से कुछ ऐसा, यहाँ पे आपको चार्जिंग के लिए केबल दी गई है हमारी, और नीचे से कुछ ऐसा दिया गया और ऊपर से कुछ ऐसा है। इसको यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ, जो अंदर से कुछ ऐसा है, ये हमारा माइक कुछ ऐसा होने वाला है। ये माइक इसमें लाइट जलती है पता पड़ता है कि माइक चालू है बंद है ना, ये कनेक्टिंग का है, ये नॉइस कैंसिलेशन का है, बैटरी का है। ये हमें तीन बटन देखने के लिए मिल जाते हैं, देख सकते हैं, ये ऑन ऑफ करने के लिए, म्यूट करने के लिए बटन दिया गया है, नॉइस कैंसिलेशन के लिए दिया गया है। तो इसको आप छुटा सकते हैं, इसको छुटाएंगे जैसे ही आप। और ये हमारा रिसीवर है, देख सकते हैं आप, रिसीवर कुछ ऐसा है, इसमें एक बटन दिया गया है ऑफ ऑन करने के लिए। यहाँ पर हम टाइप सी लगा सकते हैं, इससे हम चार्ज भी कर सकते हैं इसको, हम टाइप सी लगा कर इसे कनेक्ट भी कर सकते हैं,
और इसे चार्ज भी कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन दिए गए हैं हमें और एक मैग हमारा ये रहा, तो ये हमें तीन देखने के लिए मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी में। हम आपको रिसीवर ऑन करके दिखाते हैं, इसको बटन में आपको दबाए रखना है। तो यहाँ पर हमारा रिसीवर ऑन हो चुका है, कुछ ऐसी डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिल जाती है। अब हम एक माइक ऑन करते हैं, तो जरा माइक ऑन करने के लिए बटन दिया गया है, इसको माइक को मैं ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारा माइक हो चुका ऑन, इसमें भी दिखा रहा है, देख सकते हैं इसमें माइक ऑन हो चुका हमारा। ये कनेक्टिंग का ग्रीन ग्रीन दिखा रहा है, नॉइस कैंसिल का ग्रीन ग्रीन दिखा रहा है ना, इसमें हमारा माइक कनेक्ट हो चुका है। इसमें जो ऑडियो भी आ रही, देख सकते हैं हेलो हेलो, तो ग्रीन लाइन जा रही है, हमारी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है यहाँ पर। तो ऐसे आपको डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है। तो ये सारा सामान हमें देखने के लिए मिल जाता है ना, कुछ ऐसा सामान होने वाला, काफ़ी ज़्यादा सामान मिल जाता है आपको देखने के लिए। इसकी प्राइस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अब हम इसकी माइक की टेस्टिंग आपको करवाते हैं, आउटडोर में इसकी ऑडियो कैसे आने वाली है वो मैं आपको दिखाता हूँ, कैसे आने वाली ऑडियो। हेलो दोस्तों, तो अभी हम आ चुके हैं आउटडोर में, आ चुके हैं यहाँ पार्क है, यहाँ देख सकते हैं आप, कैमरा में जरा दिखा दें। तो अभी हम यहाँ बाहर आ चुके हैं, एकदम फील्ड है, काफ़ी बड़ा फील्ड है। तो अभी हम माइक की टेस्टिंग करने वाले हैं, इसकी मतलब क्वालिटी कैसी, ऑडियो क्वालिटी आप सुन सकते हैं कैसे आ रही है ना। और अभी हम चेक करने वाले हैं कितनी रेंज तक ये जा सकता है, कितनी दूरी से तक ये कनेक्ट रह सकता है, और कभी डिस्कनेक्ट होगा, आप सब चीज़ लाइव देखने वाले हैं प्रूफ के साथ। तो अभी मैंने यहाँ पे माइक का ऑप्शन ऑन कर रखा है, माइक है, हम इसका नॉइज़ कैंसिलेशन ऑप्शन ऑन करने वाला हूँ, ये बीच वाला बटन दबा के ये मैंने ऑन कर लिया है। तो अभी आप मेरी ऑडियो क्वालिटी सुन सकते हैं कैसी आ रही है इस समय। तो अभी मैं इसको पॉप फिल्टर को लगा लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैंने पॉप फिल्टर यहाँ पर लगा लिया है, तो अब आप चेक कर सकते हैं कि मेरी ऑडियो क्वालिटी कैसी आ रही है। यहाँ पर थोड़ी बहुत हवा भी चढ़ रही है और बच्चे भी यहाँ पर पार्क में खेल रहे हैं, उधम मचा रहे हैं, उनकी भी यहाँ पर शोर शराबा, चिड़िया की आवाज़ है और पेड़ पौधों की आवाज़ है ना। तो आप देख सकते हैं ऑडियो क्वालिटी तो आपने चेक कर ली कैसी आ रही है। अब तो दोस्तों अभी मैं आपको दूर जाके दिखाता हूँ कि कितनी देर से ये कनेक्ट रह सकता है, कितनी दूर तक। यहाँ पर मैं दूर जा रहा हूँ और दूर जा रहा हूँ। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हेलो 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 हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हेलो 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 हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो, तो आप देख सकते हैं अब मैं काफ़ी दूर आ चुका हूँ, तभी मेरी आवाज़ यहाँ पर आ रही है। तो आप ऑडियो क्वालिटी चेक कर सकते हैं, दूर जा रहे हैं, तो अगर ऐसे करते हैं तो थोड़ा डिस्कनेक्ट आवाज़ वैसे होने वाली है। देख सकते हैं मैं काफ़ी ज़्यादा दूर आ चुका हूँ, इसमें 60 मीटर लिख रहा था, मैं काफ़ी ज़्यादा दूर आ चुका हूँ, तब भी यहाँ मेरी ऑडियो काफ़ी अच्छी आ रही है। हेलो, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? हेलो 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 दोस्तों, तो आप देख सकते हैं काफ़ी दूर आ चुका हूँ मैं। हेलो हेलो हेलो, तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैं काफ़ी ज़्यादा दूर पहुँच गया, तभी मेरी यहाँ पे आवाज़ आ रही थी है ना। तो आप इसकी कनेक्टिविटी देख सकते हैं, काफ़ी दूर पहुँच गया था वहाँ तक, तभी इसकी आवाज़ आ रही थी, और उसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया है। अब आपका मैं इसको एक और ऑप्शन दिखाता हूँ, इसमें एक और है, यहाँ बीच में एक और बटन है, इसको आपको डबल टैप करना है। हाँ, अब मेरी आवाज़ आप देख रहे हैं यहाँ पर डबल आवाज़ आ रही होगी, अगर आप इसको बीच वाले बटन को दबाए रखें तो डबल आवाज़ आने वाली है आपकी, वाइब्रेशन होने वाली। इसको मैं बंद कर लेता हूँ। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ इन्होंने जो बटन दिए गए हैं इनका यूज़ क्या है, और स्क्रीन पे आपको कौन कौन सा ऑप्शन शो होते हैं, उनका मतलब क्या है ना। इसमें जो तीन बटन दिए इनका मतलब क्या है, क्या चीज़ कैसे काम करती है, वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। रिसीवर को ऑन कर लेते हैं, यहाँ पर मैं रिसीवर को ऑन कर ले, ऑन करने वाला देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पर हमारा टाइप सी दिया गया है, इसको यहाँ टाइप सी को यहाँ पर मैं यहाँ पर OTG लगा लेता हूँ। जो OTG लगाने के बाद आप इसमें अपने फ़ोन में कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर OTG लिखा हुआ आ जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पर अपना माइक यहाँ पर ऑन कर लेता हूँ, जैसे यहाँ पर ऑन ऑफ करने का ये वाला बटन है, इसको यहाँ पर मैं दबाए रखता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर मेरा माइक ऑन हो चुका है ना। अगर इसमें यहाँ पर मैं दोबारा क्लिक करूँगा तो जो मेरा माइक है जो म्यूट हो जाएगा, देख सकते हैं आप, यहाँ पर मेरा माइक म्यूट हो चुका है। रिसीवर में देख सकते हैं आप रेड लाइट यहाँ पर जल रही है, और जो बीच वाला है ऑप्शन है यहाँ पे है ना, इसके नॉइस कैंसिलेशन का है, देख सकते हैं। इस पर मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे बंद हो चुका है। इस पर दोबारा क्लिक करा तो मेरा नॉइस कैंसिलेशन का ऑप्शन ऑन हो चुका है। अगर इसमें दवाई रखता हूँ तो इसका बगल वाला ऑप्शन है, इससे हमारी डबल आवाज़ आती है, वो ऑप्शन यहाँ पर हमारा ऑन हो जाता है। इसको मैं दोबारा दवाई रखता हूँ तो हमारा बंद हो चुका है। इसको दोबारा दबाया, नॉइज कैंसिलेशन का ऑप्शन यहाँ पर मेरा बंद हो चुका है। इसको मैं दोबारा दबा लेता हूँ, नॉइस कैंसिलेशन का ऑप्शन मेरा चालू हो चुका है। इसको मैं अनम्यूट कर देता हूँ, यहाँ पे मेरा माइक अनम्यूट हो चुका है। अगर मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ पे जैसे ग्रीन ग्रीन लाइन यहाँ पर आ रही है, हेलो हेलो हेलो, तो यहाँ से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो रिसीवर में जी, तो हमारा मतलब OTG लगाने के लिए होता है टाइप सी है ना, ये हमारा ऑन ऑफ के लिए बटन होता है। तो दोस्तों रिसीवर में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है ना, इसको लगाने बाद ये हमें अपने कैमरे में कनेक्ट कर सकते हैं, इसे लाकर हम अपने कैमरे में कनेक्ट कर सकते हैं। इसको हम यहाँ पर नीचे रख लेते हैं। अब नीचे रखने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमको टाइप सी पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, इसमें हमारे ये वाली ईयरफोन लगाने, देख सकते हैं ये वाली ईयरफोन है,
इसमें आप ऑडियो क्वालिटी चेक कर सकते हैं इन्हें लगा कर। यहाँ पर मैं इसमें लगा लेता हूँ, तो यहाँ पर मैंने ये लगा लिया। यहाँ पर देखें चार्जिंग का पॉइंट भी है और टाइप सी चार्जर से इसको आप चार्ज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये दोनों फ़ायदे देखने के लिए मिल जाते हैं। इसको यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ। तो जो हमारा पहला बटन था इसको, इससे हम ऑन ऑफ कर सकते हैं और माइक को म्यूट कर सकते हैं एक बार दबा कर। ये हमारा नॉइज़ कैंसिलेशन का ऑप्शन दिया गया है। दूसरा वाला जो बटन है हमारा नॉइज़ कैंसिलेशन का, जो डबल आवाज़ होती है ना वो करने के लिए है ना। और ये हमारा ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर चिप लगाने का और ऑप्शन है ना। यहाँ पर हम चिप लगा सकते हैं, यहाँ से हम इसको म्यूट कर सकते हैं और चालू कर सकते हैं। और जो ऑप्शन उसके लिए दिया, जो बटन हमारा उसके लिए दिया गया है, ऐसे हम इसका यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम अपना माइक ले लेते हैं, माइक में इसमें अपना चार्जिंग पिन लगा देते हैं। जैसे हम चार्जिंग पिन लगाते हैं तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर रेड लाइट यहाँ पर जलने लगी है, यहाँ पर रेड लाइट जल रही है। तो इसका मतलब ये चार्ज हो रहा है हमारा माइक। ऊपर का कनेक्टिंग का फीचर होता है, ये बगल में माइक का ऑप्शन होता है। इसके नीचे जो ऑप्शन दिया गया है वो नॉइज़ कैंसिलेशन का ऑप्शन है, जो हमारा नॉइज़ कैंसिलेशन का ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने रिसीवर ले लिया, रिसीवर को लेने के बाद यहाँ पर मैं इसमें चार्जिंग पिन लगा देता हूँ अपना जो चार्जर है। इसको चार्जिंग पिन लगाने के बाद यहाँ पर आप देखिए इसकी स्क्रीन हो चुकी है चालू और यहाँ पर भी ये चार्ज हो रहा है हमारा रिसीवर। कितना अच्छा चार्ज हो रहा है यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसे आप अपने रिसीवर को चार्ज भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो करते हैं लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पर प्रेस। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।